लालच में आकर कई निदेशकों को ठगने का मामला नंदनवन पुलिस थाना अंतर्गत दर्ज किया गया है। आरोपियों में मनी प्लांट नाम में मार्केटिंग कंपनी की स्थापना की थी। आइए जानते हैं क्या है आखिर ये मामला। नागपुर शहर में आए दिन धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। दरअसल ऐसा ही एक मामला नंदनवन थाने में दर्ज हुआ है, जहां लालच में आकर कई निवेशकों को ठगने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी गजानन बोरीकर श्रीरामनगर भद्रावती चंद्रपुर और अजय हिंगे सर्वोदय नगर नागपुर निवासी बताई जा रही है। आपको बता दें कि आरोपियों ने मनी प्लांट नाम से मार्केटिंग कंपनी की स्थापना की और नागपुर में कंपनी का काम संभालने के लिए अजय की नियुक्ति की। कंपनी की योजना के अनुसार चार निवेशकों के चेन बनाने पर निवेशक को मात्र 22 से 30 हजार रुपए में जुपिटर नामक दुपहिया वाहन मिलेगा, ऐसी बात कही गई। इसके लिए बकायदा निवेशकों से 10 से 16 लाख रुपए भी लिए गए। निवेशकों को जो वाहन देने की बारी आती है तब उसे वाहन शोरूम में भी ले जाया जाता है और उसे उनके दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी लिए जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि मामले ने तूल तब पकड़ा जब कंपनी की किस्त नहीं चुकाने पर कंपनी ने निवेशकों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया और यहीं से फाइनेंस कंपनी से नोटिस मिलने पर इस मामले में धोखाधड़ी होने की बात का खुलासा हुआ। आखिरकार धोखाधड़ी की पुष्टि होने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। मनी प्लांट मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है, त्याचे मुख्य आहे डायरेक्टर गजानन बोरीकर हे श्रीराम नगर भद्रावती राहतात। त्यांनी एक स्कीम चालू केली 30 हजार रुपये में ज्युपिटर गाडी मिळेल, त्यासाठी ज्याला ज्याने 30 हजार रुपये दिले त्याला 4 कस्टमर होऊन द्यायचे, अशा प्रकारची ती स्कीम होती। त्यांचा नागपुरातील एजंट अजय रामभाऊ हिंगे हा होता। हिंगे यांनी त्याच्या शेजार राहणारी महिला हिचेकडून 30 हजार रुपये घेतले आणि तिला गाडीसाठी इंद्रायणी टीव्ही शोरूम सुयोगनगर येथे घेऊन गेला। तिथे त्यांनी काही कागदपत्र तिच्या सह्या घेतल्या आणि तिला गाडी दिली। काही दिवसानंतर तिला ज्या IDFC त्या कागदावर सही केल्या, त्या IDFC फर्स्ट बँकचं लोन 100% लोन ॲग्रीमेंट होतं। मग त्यानंतर तिने त्याकडे विचारपूस केली की काय भानगड आहे तुम्ही, तर आम्हाला 4 कस्टमर दिल्यानंतर फुकटमध्ये म्हणजे फ्री गाडी आमची फ्री होणार होती। त्यामुळे त्यांचा पैशापासून वाद सुरू झाला। त्यानंतर तिने 2019 आर्थिक गुन्हे शाखा इथे तक्रार दिली। 2 वर्ष सदर गुन्ह्याची चौकशी झाल्यानंतर आर्थिक गुन्हे शाखेने त्यावर गुन्हा दाखल करण्यासाठी पुरुषाला कागदपत्र आणल्याने आम्ही सदरचा गुन्हा दाखल केला। यातील आरोपी अजय हिंगे हा अटक असून याने नागपुरातील 12 ते 15 लोकांकडून पैसे घेतलेले आहे आणि ते डायरेक्टर गजानन बोरीकरला दिलेले आहे, त्याला यामध्ये कमिशन मिळायचं। सतत गुन्ह्यात आरोपी अटक असून त्याच्याकडे सखोल तपास सुरू आहे। आपलं व्हाईट कॉलर क्रिमिनल आहे, त्यांचं अजून सध्या ते रेकॉर्ड काही मिळालेलं नाही, पण याच्यात अजून डायरेक्टर किंवा कंपनीची जर कोणी लोक असेल ते आरोपी तपासामध्ये निष्पन्न होऊ शकतात। गौरतलब रहे कि नागपुर शहर में आए दिन हो रहे इस धोखाधड़ी से जनता को भी सीख लेने की जरूरत है। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।